चाइना के प्रोडक्ट और वायरस की पहुंच आज भले ही दुनिया भर में है, लेकिन चाइना का एक ऐसा जीव है जिसे वो कभी दुनिया भर में नहीं फैलाना चाहेगा। ये दिखने में ब्लैक एंड व्हाइट जरूर है, लेकिन इनकी लाइफ चुलबुली रंगीन हरकतों से भरी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट जायंट पांडा है। जायंट पांडा के लिए चाइना का प्यार और डेडिकेशन इस बात से झलकता है कि ये अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर फ्रेंडली नेशन को पांडा गिफ्ट करते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर प्यार इतना ज्यादा है तो आज भी इसकी एग्जिस्टेंस को इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्यों आज भी इनकी संख्या चाइना के केवल कुछ चिड़ियाघर और जंगलों में सिमट कर रह गई है? चलिए जानते हैं। सदियों से चाइना और पांडा का रिश्ता बहुत गहरा रहा है। इन चबी शरीर वाले जीवों ने केवल चाइना के लोगों का ही ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा है, बल्कि दुनिया भर में इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। बस शर्त यह है कि इनके दीदार का नसीब केवल चाइना जाकर ही किया जा सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जू में ही इन्हें देखा जा सकता है। द ग्रेट जायंट पांडा साउथ सेंट्रल चाइना के वो जीव है जो एक तरफ तो पावरफुल सिंबल के रूप में पेश किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी एग्जिस्टेंस आज भी खतरे में है। 2460 पॉपुलेशन के साथ जायंट पांडा बैम्बू फॉरेस्ट के मूल निवासी है। जंगलों में इनकी संख्या केवल 1860 तक सीमित है। बाकी 600 पांडा पूरी तरह चिड़ियाघर या ब्रीडिंग सेंटर में रहते हैं। ब्रीडिंग सेंटर में पांडास की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात है कि पांडास सॉलिटरी बेयर्स है जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है और खाने में बहुत सारा बैम्बू चाहिए होता है। साइज एंड कलर। एक क्यूट फेस, चुलबुली हरकतों के साथ जायंट पांडा के बारे में जो चीज सबसे खास है वो है इसका ब्लैक एंड व्हाइट शरीर। बेशक लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना रास ना आए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पांडा हर किसी को भाता है। ये रंग केवल इन्हें अनोखा ही नहीं बनाता बल्कि जंगल में कैमुफ्लाज करने की ताकत भी देता है। बांस के घने जंगलों में अपने व्हाइट फर के चलते पांडा पूरी तरह इनविजिबल हो जाते हैं और इसी रंग की वजह से अपने साथियों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इनके अनोखे रंग और शारीरिक ढांचे की बदौलत ही लंबे समय तक वैज्ञानिकों में भी बहस रही कि ये असल में रैकून है या बेर। लेकिन जेनेटिक स्टडीज से ये बात साफ हो गई कि पांडास भालू के परिवार से ही संबंध रखते हैं। आमतौर पर इनके शरीर का आकार एक अमेरिकन ब्लैक बेयर जितना होता है, लेकिन इनका व्यवहार और रहने का ढंग उनसे काफी अलग होता है। पांडा 3 से 6 फीट लंबे और 113 किलो वजनी हो सकते हैं। फीमेल आकार में भले ही छोटी होती है, लेकिन मेल की तरह ही टेरिटोरियल स्वभाव रखती है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल केवल मेटिंग सीजन में साथ आते हैं। इसके अलावा दोनों पार्टनर्स को कभी साथ नहीं देखा जाता। जायंट पांडा का शरीर असल में पहाड़ी इलाके में सर्वाइव करने के लिए विकसित होता है। इनके मजबूत पंजों में उंगलियों के साथ हड्डी भी होती है जिसकी मदद से ये पहाड़ भी चढ़ पाते हैं और किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ पाते हैं। एक फ्लेक्सिबल शरीर के चलते ये पेड़ों से गिरने पर भी आसानी से घायल नहीं होते और मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी चल सकते हैं। हैबिटेट एंड डाइट। साउथ चाइना में जायंट पांडा का एग्जिस्टेंस 3 मिलियन हेक्टेयर के जंगलों तक सीमित है। ये बांस के जंगलों से लेकर कुछ मिक्स्ड फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं। अपने साथियों को बुलाने के लिए अक्सर ये अपनी गंध का इस्तेमाल करते हैं और इसी गंध से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। बांस के जंगलों में इन्हें बैम्बू खाते, पेड़ों पर आराम करते हुए और इधर उधर घूमते देखा जा सकता है। आज भले ही इनकी संख्या कम है, लेकिन एक समय था जब ये दक्षिण चाइना से लेकर नदन म्यांमार तक फैले हुए थे। जंगल में इनका अच्छा खासा दबदबा बरकरार था, लेकिन वक्त के साथ इनकी प्रजाति पर एग्जिस्टेंस का खतरा मंडराने लगा और ये कम होते चले गए। भारी मात्रा में इनके शिकारी और बैम्बू डिफोरेस्टेशन ने भी मामले को पेचीदा बना दिया। बात करें इनकी डाइट की तो बैम्बू से इन्हें बड़ा प्यार है। जब देखो और जहां भी देखो इन्हें केवल बैम्बू का लुत्फ उठाते देखा जाता है। आज भले ही जायंट पांडा चाव से बैम्बू खाते हैं, लेकिन शुरुआत से ये वेजिटेरियन नहीं थे। लगभग 2 मिलियन साल पहले एवोल्यूशन के फेज में इनके पूर्वजों ने वेजिटेरियन डाइट को अपनाया था। इससे पहले वो मछली, खरगोश, चूहे जैसे जीवों को खाकर अपना गुजारा चलाते थे। ये वो दौर था जब ये आम जंगलों में रहते थे, लेकिन जब इन्होंने बैम्बू फॉरेस्ट में रहना शुरू किया तो भोजन के तौर पर उन्होंने बैम्बू स्टिक्स को डाइट में अपनाया। डाइट बदलने की वजह से उनके शरीर में तो बदलाव आया, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। यही वजह है कि आज भी इनका पेट बिल्कुल कार्निवोरस भालू की तरह ही काम करता है। यानी कि ये चाहे तो आज भी नॉन वेजिटेरियन डाइट को अपना सकते हैं, लेकिन बैम्बू को ही ये अपने भोजन के रूप में खाते हैं।
बैम्बू स्टिक्स में प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से डाइट बचाने में इन्हें दिक्कत नहीं होती। वह जितना खाते हैं उतना ही पीछे के रास्ते से बाहर भी निकाल देते हैं। जंगल में इनके तीन ही काम होते हैं, वो है खाना, सोना और खाया हुआ बाहर निकालना। खुद को स्वस्थ रखने के लिए और परफेक्ट न्यूट्रिशन के लिए जायंट पैंडा को एक दिन में 9 से 18 किलो बैम्बू स्टिक्स खाने की जरूरत पड़ती है। इतने सारे बैम्बू स्टिक्स को चबाने के लिए इन्हें 10 से 16 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में पैंडास के दिन का ज्यादातर समय खाते हुए बीतता है और बाकी टाइम आराम फरमाते हुए। इस लाइफस्टाइल की वजह से ही पैंडास को एनिमल किंगडम के सबसे आलसी जानवरों में भी गिना जाता है। बैम्बू स्टिक्स के अलावा पैंडास को मीठा खाना भी बेहद पसंद होता है। हालांकि जंगल में इन्हें ये खुराक नहीं मिलती, लेकिन चिड़ियाघर में रहने वाले पैंडा को अक्सर मीठा फीड कराया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर। वाइल्ड पैंडास भले ही किसी दूसरे सदस्य की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन कभी कभी ये अपने साथियों से जरूर मिलते हैं। दरअसल पैंडा के स्मेल सेंसेस शानदार होते हैं। वो एक दूसरे की गंध से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हाल ही की रिसर्च बताती है कि जायंट पैंडा के एक इलाके में 7 से 15 सदस्य रहते हैं, जिनकी टेरिटरी एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करती है। मेल सदस्यों में ऐसा ज्यादा होता है, जबकि फीमेल अपने इलाके को लेकर काफी सजग रहती है। वो अपने बच्चों के साथ अपने इलाकों में अकेले रहना पसंद करती है। एक जायंट पैंडा का इलाका 5 किलोमीटर वर्ग में फैला होता है और वहाँ किसी दूसरे सदस्य को डेरा जमाने की अनुमति नहीं होती। रिप्रोडक्शन बिहेवियर। पैंडा की मेटिंग प्रोसेस काफी अनोखी है। ये जीव 4 से 8 साल की उम्र में ही मेटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खास बात है कि फीमेल पैंडा अपने ब्रीडिंग सीजन में केवल 24 से 72 घंटे के लिए ही ओव्यूलेशन पीरियड में जाती है। इतने समय में हालांकि ये कई मेल पार्टनर से संबंध बना सकती है, लेकिन फिर भी ये टाइम पीरियड काफी कम है। ऐसे में मेल पार्टनर हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ओव्यूलेशन के 90 से 180 दिनों बाद मादा बच्चों को जन्म देती है, और वो भी 2 साल में केवल एक बार। जंगल में रहने वाली फीमेल पैंडा अक्सर एक बेबी को पैदा करती है, जबकि चिड़ियाघर में फीमेल पैंडास 2 बेबीज को जन्म देती है। सरप्राइजिंगली इनके बच्चे जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं और 6 से 8 हफ्ते बाद ही आंखें खोलते हैं। तब तक ना तो इनमें देखने की कैपेबिलिटी होती है और ना ही इनके शरीर पर एक भी बाल होता है। पैदाइशी ये गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर बाल ना होने से बेबी को माँ की गर्मी की जरूरत होती है। 13 सेंटीमीटर लंबे ये बेबीज अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़पते हैं। अगर बेबी एक होता है तो माँ खुशी खुशी उसका ख्याल रखती है, लेकिन 2 बच्चे पैदा होने पर जायंट पैंडा एक बच्चे को अपनाती है और कमजोर बच्चे को त्याग कर देती है। दरअसल इस जालिम माँ को लगता है कि ये 2 बेबीज को पालने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। डिलीवरी के समय कमजोर हो जाने की वजह से भी ये ऐसा सोचती है, और इसीलिए दोनों को पालने के बजाय ये केवल एक को ही अपनाती है, जबकि दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। कहा जाता है कि फीमेल पैंडास की एक भोरी शक्ल के पीछे एक निर्दयी माँ छुपी होती है, जो बच्चों के नाम पर पक्षपात करती है। खैर, बच्चों को पालने से ज्यादा मुश्किलें जायंट पैंडा को इन्हें पैदा करते वक्त झेलनी पड़ती है। लोगों को इनकी जिंदगी ऐशो आराम की लगती है, लेकिन असल में ये बहुत चुनौतियों से भरी होती है। दरअसल पैंडा में मेटिंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। ये बड़ी मुश्किल से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। इन्हें ढंग से मेट करना नहीं आता। जंगल में तो ये प्रोसेस नेचुरली होता है, लेकिन चिड़ियाघर में रहने वाले पैंडास को सबसे ज्यादा ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। वो अक्सर इस प्रक्रिया में काफी कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार उन्हें मदद की जरूरत भी पड़ती है। कहा जा सकता है कि 2 साल में एक बार बेबी को जन्म देना और उस पर भी मेटिंग कैपेबिलिटी के कम होने की वजह से इनकी संख्या में कमी हुई है। इसके अलावा जंगलों में इनका लाइफ स्पैन भी 15 से 20 साल का रहा है, जबकि चिड़ियाघर में ये 30 साल तक जीते हैं और एक पैम्पर्ड वातावरण में बड़े होते हैं। आज इनके अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। चाइना सरकार से लेकर वर्ल्ड वाइड फंड भी इन्हें बचाने की कोशिश में लगा है। 1990 का एक दौर था जब भारी शिकार और डिफॉरेस्टेशन के चलते इनका अस्तित्व खात्मे की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड फंड ने इस प्रजाति को बचाने के लिए हैबिटेट का इलाका बढ़ाने से लेकर शिकार को रोकने और आइसोलेटेड पैंडा को ग्रीन कॉरिडोर्स के रास्ते एक दूसरे से जोड़ने जैसे जरूरी पहलुओं पर काम किया। WWF की कोशिशों को इस पहलू से भी आंका जा सकता है कि संस्था ने पैंडा को ही अपने सिंबल के तौर पर चुना।
इसके अलावा उन्होंने पैंडास के लिए नेचर रिजर्व मैनेजमेंट को भी स्थापित किया। 2014 में इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बदौलत पैंडा की संख्या में 17% का इजाफा देखा गया था। चाइना सरकार ने भी पैंडास की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने इस प्रजाति के लिए 13 नए नेचुरल रिजर्व सेट किए हैं। जिन इलाकों को पहले खेती के लिए साफ किया गया था, वहां अब वापस बैम्बू फॉरेस्ट उगाए गए हैं। कई खेती के इलाकों को कम करके वापस पैंडास के लिए जंगल उगाया जा रहा है, ताकि पैंडास पर आए हैबिटेट क्राइसिस को सुलझाया जा सके और ये जीव दोबारा अपने बैम्बू फॉरेस्ट में चैन की सांस ले सके। तो ये थी परेशानियों से भरी जायंट पैंडा की जिंदगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।